नमस्कार। चलिए, आज हम आ चुके हैं क्योंकि इस पर मंथन किया जा रहा है कि मैट्रिक का रिजल्ट होने के बाद बहुत ऐसे बच्चों ने अपना जलवा दिखाया। जैसे इसके पहले जो वीडियो मैंने जारी किया था उसमें ढोरनाथ उच्च विद्यालय के टॉपर छात्र अविनाश कुमार का, उसी के दौरान मुझे वहाँ जाने के बाद विद्यालय में पता चला कि और भी बच्चे हैं जो लोकल ही हैं, जहाँ विद्यालय है उस विद्यालय के इर्द गिर्द के ही बच्चे हैं, और विपरीत परिस्थिति में उन्होंने अपने हौसला को आगे बढ़ाते हुए उस विपरीत परिस्थिति को आड़े नहीं आने दिया और अपने आप को साबित करके दिखाया इस समाज में। और जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का माहौल भी उस तरह से बनाया कि आगे चल करके जो छोटे नौनिहाल इनको देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, उनका हौसला आगे बढ़ेगा और आगे चल करके वो भी हमारे जैसे नाम करेंगे। तो इस दौरान हम आ पहुँचे हैं लहलातपुर प्रखंड के प्रॉपर लहलातपुर गांव में। चलिए, हम आपको मिला रहे हैं ढोरनाथ उच्च विद्यालय के प्रथम स्थान, जो अगले वीडियो में हमने आपको दिया, दूसरा स्थान रखने वाले संदीप कुमार जी से। संदीप कुमार जी का घर दूसरे जगह है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने के चलते और घर के कुछ उलझनों के चलते इनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए इन्होंने यहाँ रहना उचित समझा। यहाँ से विद्यालय भी इनका करीब पड़ता है। तो कुछ चंद सवाल हम आपसे ये करेंगे कि बचपन में आपकी शिक्षा दीक्षा, या बचपन में आपने अपने घर ही पढ़ा है, गांव ही पढ़ा है, या फिर? मैं बचपन से ही ननिहाल में रहता था, यहाँ पे मैं। ननिहाल कहाँ आपका? बहादुरपुर। मैं शुरू से ही न्यू डीएवी स्कूल, पब्लिक स्कूल में नर्सरी क्लास से ही पढ़ा हूँ। नर्सरी क्लास से किस क्लास तक? सिक्स क्लास तक। नर्सरी से सिक्स क्लास तक न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल जनता बाज़ार में आप पढ़े? हाँ। तो सिक्स क्लास तक ही क्यों? वहाँ नर्सरी से सिक्स क्लास तक ही क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़े आप? आर्थिक स्थिति कमजोरी के कारण। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इन्होंने नर्सरी से लेकर छः क्लास तक न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल जनता बाज़ार में इन्होंने अपना स्टडी किया। फिर आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं हुई, फिर छः क्लास के बाद आप कहाँ गए? फिर मैं मध्य विद्यालय लालापुर में, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था सिक्स क्लास में, उसमें भी हुआ था। फिर वहाँ से पढ़ कर आठवीं पास कर कर कुछ विद्यालय में नवीन नाम लिखा। कभी ऐसा कोई क्षण आया है जिसमें आपने ये सोचा हो कि नहीं, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लगता है कि मेरी पढ़ाई यहीं छूट जाएगी? ऐसा हुआ है, लेकिन घर का, परिवार का और पूरे आसपास का पूरा सहायता रहा है, जिसके कारण मेरा हौसला कमज़ोर नहीं हुआ और मैं आगे पढ़ाई के लिए मोटिवेट होता रहा। तो यहाँ माने आप अपने घर से आकर के यहाँ मामा के घर रहे, फिर यहाँ आकर आप भाड़ा पर रहने लगे? हाँ। माने आप अपने पूरे परिवार के साथ? हाँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? ट्रक ड्राइवर हैं कलकत्ता में। कलकत्ता में ट्रक ड्राइवर है, तो यहाँ तो कभी कभी बातें होंगे। हाँ। पिताजी के नहीं रहते हुए भी यहाँ और जो चीज़ें होती है घर की, कुछ बातें होती हैं, खाना बनाना या और सारी चीज़ें, तो ये किसके तरफ से पूरा होता है आपको? माँ हमारी पूरा सहायता करती है पढ़ाई में, खान पान में, ये सब। पिताजी कभी कभार ही यहाँ आ पाते हैं? कभी। विपरीत परिस्थिति, पिताजी घर चलाने के लिए, दो जून की रोटी के लिए मशक्क़त करते हुए बाहर ट्रक ड्राइवर हैं, वो ट्रक चलाते हैं और वहाँ से जो पैसा होता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ भेजते हैं। मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि इतने विपरीत परिस्थिति के बाद आपने अपने विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आप जब परीक्षा देने गए तो आपको क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो थी, क्योंकि मेहनत किया था मैंने। उम्मीद आपको फर्स्ट डिवीज़न का ही था या स्कूल में टॉप करने का था? स्कूल में टॉप करने का। लेकिन दूसरा स्थान आया, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर कमी है, कहीं हमसे ज़्यादा वो मेहनत किया था। कहीं ना कहीं आप अपनी कमी को महसूस कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं? एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। एक्टिंग यानी? अभिनय फिल्मों में। इसके पहले आपको फिल्मों से कोई लगाव रहा है क्या? हाँ, शुरू से फिल्मों से लगाव है। आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे आप 9 क्लास में बच्चे अभी हैं, हाँ, जो मैट्रिक पास करेंगे या मैट्रिक में जाएंगे, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से मेहनत किया जाए या किस तरह से पढ़ाई की जाए तो हो सकता है कि वो विद्यालय में टॉप हों या जिला में टॉप हों या राज्य में टॉप हों? टॉप करने के लिए सबसे पहले उनको लगातार अध्ययन करना ज़रूरी है, और जहाँ भी वो पढ़ते हों वहाँ शिक्षकों का पूरा सहयोग, उनका आदर
आदर करने से उनका पूरा सहयोग प्राप्त करने की ज़रूरत है। और हर जगह से जहाँ से भी शिक्षा मतलब ज्ञान प्राप्त हो सके वहाँ से लेने की ज़रूरत है। और निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कभी भी निरंतरता टूटी अगर पढ़ाई में तो वो परेशानी कर सकती है, क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ लेते हैं लगातार अगर उसको मतलब अभ्यास नहीं करते हैं तो वो भूल भी जाते हैं, इसलिए उसमें निरंतरता रहनी चाहिए। अच्छा, तो मान लीजिए कि आपने अपने विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो आजकल एक हवा सा बन चुका है, एक ट्रेंड चल चुका है कि बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ेंगे तभी जा कर के उनको अव्वल नंबर आएगा। ट्यूशन के बारे में कुछ सवाल मैं आपसे करूँगा कि आप भी ट्यूशन किया करते थे क्या? हाँ, किया करते थे। शुरू से ही? शुरू से नहीं, शुरू मतलब नर्सरी से लेकर 6 क्लास? शुरू से नहीं, नर्सरी से 6 तक या आगे की आपने ट्यूशन नहीं किया है? ना। ट्यूशन कहाँ से शुरू किया? प्राइवेट स्कूल छोड़ने के बाद जब सरकारी में गए तो वहाँ पे मुझे ट्यूशन की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा कमज़ोर लग रहा था। कोचिंग मैंने विशेष रूप से 10वीं क्लास में कामेश्वर सर के पास पढ़ा है, उन्होंने पढ़ाई में मेरी पूरी सहयोग की थी। मैं अप्रैल महीना में वहाँ पे गया था जब 10वीं का सिलेबस जनवरी से ही शुरू हो चुका था। वहाँ पे 3 महीने में बहुत हद तक आधा सिलेबस ख़त्म भी हो चुका था। सर ने बहुत हेल्प किया है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो महंगी पुस्तकें होती थी उसे भी सर ने उपलब्ध कराया। कामेश्वर सर जितने दिन मैंने कोचिंग पढ़ाया फी नहीं लिया है, और किताबों का भी बहुत सहायता किया है। एक चीज़ यहाँ और देखने को मिलती है कि मेधावी जो बच्चे हैं, जो जागरूक बच्चे हैं, जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए एक ट्यूशन इनके लिए डूबते में तिनके का सहारा बनी। जिस कोचिंग में यह बच्चा पढ़ता था, यानी कामेश्वर सर यहाँ के पुराने शिक्षक कहे जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का हेल्प करते हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक, और उसी तरह से इनका भी नगदी के रूप में भी और पुस्तक के रूप में भी इनका हेल्प किया। ये काबिले तारीफ है कि शिक्षक का जो व्यवहार, शिक्षक का जो गुण होना चाहिए, वास्तव में उनके पास ये गुण है, ये सराहनीय कार्य है। अंत में मैं आपसे ये सवाल और करूँगा कि जिस परिस्थिति में आप विद्यालय में सेकेंड स्थान लेकर आए, आप अपने छोटे भाई बहन के लिए क्या बताएंगे कि जो परिस्थिति आपके पास आई, आप सेकेंड, किसी कमी के कारण आप सेकेंड आ गए या दूसरा स्थान आपको आ गया, तो आप चाहेंगे कि आपके भाई बहन भी दूसरे स्थान पर रहें या आगे जाएं, उसके लिए उसको क्या करना होगा? उनको हमसे भी आगे जाना चाहिए था, चाहिए। और इसके लिए कभी भी उनको ये नहीं समझना चाहिए कि जो मैंने पढ़ लिया है वो पर्याप्त था, क्योंकि मैं भी यही समझता था कि मैंने जो पढ़ लिया है वो पर्याप्त है, अब मैं स्कूल में टॉप कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी भी जितना पढ़ लिया है वो पर्याप्त है, उनको आगे हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ आप किनके घर रह रहे हैं? राजबल्लम प्रसाद सेवक जी के। अच्छा, 6 साल से आप लहलात प्रोग्राम के एक बढ़िया शिक्षक का कोई सानी नहीं है, दधीची ऋषि के रूप में इनको जाना जाता है, यहाँ लोगों को जागरूक करने का अपना सब चीज़ समाज के लिए इन्होंने न्यौछावर कर दिया, और इस बच्चे के लिए 6 साल से यह बच्चा यहाँ इनके घर में रहकर पढ़ रहा है उचित मार्गदर्शन में। एक शिक्षक का मार्गदर्शन हो तो एक छात्र कहाँ तक जा सकता है, इसका जीता जागता सबूत संदीप कुमार ने पेश किया है। आइए अब हम आपको मिलाते हैं, हमारे भी गुरु रह चुके, ललातपुर के लगभग 50% लोगों के गुरु रह चुके हैं, हमारे राजबल्लम प्रसाद सेवक जी, हमारे गुरु जी। चंद सवाल मैं उनसे भी कहूँगा। गुरु जी नमस्कार। अब आपके सामने मैं आपसे कुछ पूछूं तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी समय है, खुशी का माहौल है, एक बच्चे एक को आप मार्गदर्शन दे करके यहाँ बुलंदी तक पहुँचाए, आपने तो हज़ारों बच्चों को उसके मंजिल तक पहुँचाया, फिर भी आपके यहाँ ये 6 साल से रह रहे हैं, और 6 साल से आप माता पिता की भूमिका निभाते हुए, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बच्चे में वह कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगा, जिससे आपकी तो पारखी नज़र है, आप तो जौहरी हैं शिक्षा के मामले में, कि जिससे आपको लगा कि ये बच्चा आने वाले भविष्य में अच्छा कर सकता है? इस बच्चे को हमने 6 सालों से संस्कार दिया,
और उस संस्कार के अनुसार नियमित जीवन बिताने की शिक्षा दी और 8 घंटा डेली पढ़ने की शिक्षा दी। और सुबह में ब्रह्मवेला में पढ़ने के लिए हमने माइक लगा करके इसी बच्चे को नहीं, अपने 5 किलोमीटर के अंदर के जितने भी विद्यार्थी हैं A to Z प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के सबको हमने माइक से जगा जगा करके ब्रह्मवेला में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और ये सब बातें इसलिए हुई कि सुनहरे दिवस का संकेत उषा की किरण से मिलता है, सफल जीवन का संकेत विद्यार्थी जीवन से मिलता है। तो इनमें बारीकी ये थी कि हमने जो भी आदेश दिया इन्होंने पालन किया। 6 वर्षों से 1 पैसा भी हमने मकान भाड़ा नहीं लिया है, 1 पैसा भी हमने बिजली का चार्ज नहीं लिया है, हम 1 पैसा भी दूसरे किसी तरह का पानी का भी चार्ज नहीं लिया है। और इन लोगों को अपना प्लॉट 5 कट्ठा का दे दिया है कि आप लोग खेती करके ना तरकारी एकदम उत्पादन करते हैं, तरकारी किनना नहीं पड़ता। इस परिवार के लिए डूबते को तिनके का सहारा, वह वाक्य चरितार्थ यहाँ होता नजर आ रहा है। जब यह परिवार विगत 6 वर्ष पहले आया तो उनको भी लगा कि हम अपने घर में चले आए। आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते इनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन जीविकोपार्जन के साधन के लिए इन्होंने कुछ खेत भी इन परिवार को दिया कि अपना कम से कम और कुछ नहीं तो सब्जी तो नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। ये जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में घर चलाने का जिम्मा परिवार में माता जी को होता है। माँ अपने भूखे रह जाती है लेकिन अपने बाल बच्चों को कभी भूखे नहीं सोने देती। यह बात एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे संदीप कुमार जी की माँ हो। आइए, मैं आपसे वैसे छवि से मिला रहा हूँ जिस छवि ने सुबह से उठकर रात सोने तक अपने आप को एक नौकर की भांति, एक वैसे व्यक्ति की भांति जो निरंतर कार्य करता है वो करते रहा और अपने बेटे को अपने विद्यालय में 2nd स्थान दिलाने का पूरा प्रयास किया। वह प्रयास सफल भी हुआ। हम अब मिलाते हैं आपको संदीप कुमार जी के माँ से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रीना देवी। रीना देवी, कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे। 3 बच्चा में लड़का लड़की? 2 लड़का है। संदीप कुमार जी छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े हैं। अच्छा, आप चूँकि आपके पति घर पर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो इस दौरान बच्चे पोसने पालने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, ये लाजिमी सी बात है। कभी आपके सामने वैसी परिस्थिति आई जिसमें आपने सोचा कि ये सब बेकार है, अब मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता है, अब मैं थक गई हूँ, अब इतना परेशानी मैं नहीं झेल सकती, कभी ऐसी परिस्थिति आई क्या आपके जीवन में? आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ऐसी परिस्थिति आई थी आपकी कब? मतलब बीच बीच में, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारा कि ये सब बेकार है, न पढ़ाइए न कुछ करिए। भी वैसी परिस्थिति आई है जब आपको लगा है कि यह भार अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि गृहिणी घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो उस परिस्थिति में आप कभी विचलित हुई हैं क्या? बहनी अपन मतलब बर्दाश्त करके हिम्मत हम नहीं हारा, ये इनका के पढ़ावे के बाद हमारा। अच्छा, इसके अलावा और भी बचे हैं आपके? बोझ हम उठा कर। बोझ मतलब क्या? मतलब मेहनत। मेहनत, 4 बच्चा, देवर के बच्चा, 3 हमारे बच्चा, हम इन लोग के मेहनत को कर 4 बजे भोर में उठ के इन लोग जगा के तब नहाने धोवा के अथी कोके तकरा बाद खाना बना के लंच भर के इन लोग स्कूल भेज के तकरा बाद घर के काम काज हम सारा करते हैं। कि संदीप के पिताजी यहाँ नहीं रह रहे हैं, फिर इन बच्चों का भार, खर्चा, स्कूल का खर्चा, घर को चलाना,
ये सारी चीज़ें आपको कभी संदीप के पिताजी नहीं रहने का गुमान आपको हुआ क्या, अभाव हुआ क्या कभी आपको? कभी नहीं, कभी आपको वहाँ के जौन कर्तव्य बतौन कोई नहीं, हमारे जौन कर्तव्य बतौन हम कोई नहीं, सेवक जी के पूरा सपोर्ट बा, इन्हें के अथी से ही बच्चा निकलल बड़म, सेवक जी किताब एक से एक आल खरीद के मतलब देहन पढ़ के आगे बढ़लम। एक ऐसा सोनापन जिसको भरा नहीं जा सकता लेकिन हौसला के पीछे वो सोनापन भी भर जाता है, एक माँ अपने बच्चों का परवरिश करते हुए अपने सुख दुख का ख्याल नहीं रखते हुए इनकी परवरिश की और अपने विद्यालय में संदीप कुमार दूसरे स्थान प्राप्त करके अपने माता अपने पिता अपने गुरुजन अपने समाज अपने गांव का नाम रोशन किया, इसे ये शुभकामना देते हुए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि संदीप कुमार जी जो भी अपना रास्ता इख्तियार करें उसमें उनको सफलता मिले। आइए इस अंक में बस इतना ही, आगे चलेंगे दूसरे एपिसोड में हम किसी और ऐसे मेधावी छात्र का साक्षात्कार आपको दिखाएं, कुछ प्रेरणा मिल सके।